तो गाइज हम लोग खाना ही खा रहे थे और अभी अभी ना भूकंप के झटके दोस्तों प्रणाम, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गीता कुमावनी। तो गाइस सुबह के बजे हैं 10 और आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है मेरा। तो मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ और चाय वगैरह भी पी ली है हमने। तो आज बच्चों की छुट्टी है तो आराम आराम से हो रहा है सारा काम। तो हम लोग ना आज हमारे पास गमले पड़े थे तो गमलों में मिट्टी डाल रहे हैं और इनमें कुछ पौधे लगाएंगे। देखना, इसमें हमने ये वाला पौधा लगा रखा था। ये पौधा ना हो ही नहीं पा रहा है, इतना बड़ा तो हो गया था ये, पर जल्दी जल्दी ना इसमें एक दिन भी पानी ना दो तो सूख जाता है, क्योंकि इसके लिए ये जगह कम पड़ रही थी। फिर मैंने इसको निकाल ही दिया और ये छोटे गमलों में भर दिया इसकी मिट्टी। एक गमला और पड़ा है इधर, इसमें भी इसमें मैंने ये छत की मिट्टी ऐसी डाल रखी थी, इसी के ऊपर डाल दो मिट्टी। और यहाँ पे मैंने सुखा रखे हैं तिल। अरे रे रे रे, तिल गिरने वाले हैं। देखना, मैंने तिल सुखा रखे हैं और ये रहा मसाला, एक ये वाला मसाला, इसको हमारे उधर तो गम बोलते हैं, यहाँ पे पता नहीं क्या बोलते हैं। मैं सर्च मार के देखती हूँ इसको। देखो यार जरा सर्च मार के, सच में यहाँ की कहीं तो हमने सारी मिट्टी एडजस्ट कर ली है। वो टूट गया था एक साइड से, उसको उसमें पानी डाल रहे थे ना तो एक साइड को बह जा रहा था पानी, तो हमने छोटे छोटे गमलों में भर लिए हैं सारे। तो देखना, और इनमें ना मैंने राई बो दी है। अभी हमारे पास कोई फूल का पौधा नहीं था तो इसलिए मैंने राई बो दी है इनमें सब में, राई और सरसों। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। अब और इसमें एक लीची का पौधा और है, ये लीची का पौधा, इसमें भी मैंने राई भी बो दी है साथ साथ ही। साबुत धनिया भी नहीं पड़ा था ना अभी मैंने, वरना मैं धनिया भी बो दी थी। और इसमें था पुदीना, पुदीना पता नहीं ख़त्म हो गया अपने आप, क्या हो गया उसको। इसमें से मैंने वहाँ लगा दिया पुदीना, वहाँ तो हो रखा है पर यहाँ नहीं हो रहा है, तो मैंने इसमें भी राई बो दी है। तो हमने ना आज 2 अक्टूबर के दिन वृक्षारोपण किया और इसमें हो रहे हैं तिल के पौधे। इसमें हल्का हल्का सा पानी डालेंगे और देखते हैं कितने दिनों के बाद राई उगती है इसमें। घंटी बज गए हैं 2 और मैंने खाना भी रेडी कर लिया है। हम छत पे गमले उमले लगाने गए थे, वो भी गमले उमलों में मिट्टी भरने गए थे, मतलब मैं वो कर दिया है। और अब खाना भी रेडी हो चुका है। खाने में मैंने बना रखा है आज कढ़ी और पीली दाल, चावल और मूली का सलाद, ये है खाने में। तो गाइस खाना खा लेते हैं। तो गाइस 4:30 हो चुके हैं और आज ना हमने जल्दी खाना खा लिया था, 2:15 बजे खाना खा लिया था हमने। तो अब ये लोगों को हो रही है क्या खाएं क्या खाएं, तो मैंने बना रखा है हलवा, सूजी का हलवा बनाया। अब कोई कह रहा था पकोड़े बनाओ, कोई कह रहा था इडली बनाओ, कोई क्या तो मैंने सब कुछ छोड़ के मैंने हलवा बना दिया है।
देखते हैं किसको पसंद आता है किसको नहीं। हलवे में भी खुशबू आ रही है मस्त। तो गाइस ये रहा हलवा, मैं सबके लिए ले आई हूँ। तो अब हलवे का मजा लेते हैं। तो गाइस रात के खाना बनाने की तैयारी हो रही है। रात के खाने में मैं बना रही हूँ आज गढ़ेरी की सब्जी। ये रही गढ़ेरी, एक गढ़ेरी है, इसमें मूली काटूंगी, उसकी सब्जी बना रही हूँ। और मेरा पौधा ना इतना बड़ा हो गया। तो गाइस मैं जा रही हूँ आज आपके भाई के वहाँ पे, सब लोग के पापा को घर पे कोई काम था ना, तो मैंने सोचा मैं भी होके आ जाती हूँ, बच्चों से मिलके आ जाती हूँ, तो मैं वहाँ जा रही हूँ। तो अभी चलते हैं घर से। हम लोग पहुंच गए हैं पेट्रोल पंप पे और यहाँ पेट्रोल भरवा रहे हैं इसके पापा। तो मुझे ना पेट्रोल की महक लगती है तो मार के आती हूँ। वो उधर खड़े हैं। तो गाइस हम लोग अब क्या खाने वाले हैं? नाश्ता। खीरा खाना शुरू होगी, ये पहले खीरा खाती है फिर खाना खाती है ना? दांत तो है नहीं इसके, शायद वो तोड़ में ऐसी ऐसी करे। और पीहू क्या कर रही है, चुपके चुपके पीहू की हरकत दिखाती है। रुक जा पीहू, रुक जा, तू क्या कर रही है देख के। देखो वहाँ कोने में जाके चुपके लिपस्टिक लगाने में लगी हुई है। देखो मैं खीरा खाती हूँ। बन गई बांध, बन गई अब। अरे रुक जाओ बाबू, हाँ पानी के घर में बन रखी है हरी सब्जी। और देखो गैस मुझे क्या दे रखा है। अरे ये सब बुआ के लिए बन रखा है मेरे, रायता चावल और मिक्स दाल। हाँ गाइस यहाँ बन रखी है मिक्स दाल इतनी मस्त वाली, और चावल, रायता और हरी सब्जी एंड रोटी। और बानी को क्या दे दिया यार? देखो सब बुआ के लिए बन रखा है ना, बानी के लिए तो क्या बन रखा है? देखो एप्पल, खीरा, सिर्फ चावल, सूखे चावल। ओहो इसके लिए तो दाल चावल दाल भी नहीं है। और पीहू के लिए भी नहीं है, ये सब बुआ के लिए बन रखा है आज, है ना? चलो खाओ। है नहीं, नहीं मत दिखा। तो गाइस हम लोग गए हैं बानी और पीहू के छत पे, इतनी बड़ी छत है इनकी यहाँ पे। और यहाँ का व्यू मेरा सामने स्कूल है ये वाला। अभी बानी दूसरे स्कूल में जाती है, अब बानी इसी स्कूल में जाने वाली है। हाँ गाइस देखो ये ऊपर चढ़ गया, ऊपर मत चढ़ना। आपको भी ये वाली छत दिखाएंगे हम। देखो गाइस, हाँ गाइस देखो गाइस, ये देखो, हाँ देखो कबूतर बैठा है। देखना गाइस कितनी सारी टंकियां लगी हैं यहाँ पे। ये देखो कबूतर बैठे मेरी छत में। हाँ यार तेरी छत में कबूतर बैठे हैं। और ये क्या है, खीरे के बेल किसने लगा रखी है? अंकल ने लगा रखे हैं, मकान वाले अंकल ने। अच्छा देखो मुझे क्या मिल गया। देखा छोटे छोटे खीरे के बेल हो रखे हैं, इसमें हरी सब्जी भी हो रखी है यार। हाँ?
गाइस हम लोग खाना ही खा रहे थे और अभी अभी ना भूकंप के झटके महसूस किए हम लोगों ने भी, और इसने तो नीचे ही बर्तन धो रही थी, उसको लगा बर्तन के लिए है। और मैं ऐसे हो रही थी सबको लगा ऐसे दरवाजा गिरा था, उसको शर्म की पावन खड़े थे, ये भी कह रहे थे कि हाँ भूकंप आया था अभी। बाहर निकलो यहाँ से, चलो देखो हाँ पानी जाओ फिर मैं चल ठीक है फिर हाँ पानी में जा रही हूँ फिर घर को मेरे पैसे चल बाय पैसे गए ठंडा रहता है, देखना पसीना कितना ले रहा है।